कितना डिफरेंस आ गया है। तो यही डिफरेंस हमें मिलता है। अब आप ये देखिए, सारी जो प्रॉब्लम आ रही है इस एंकल की आ रही है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, आज संडे का दिन है और मेरे पास जो पहला पेशेंट आया है, क्या नाम था इसकी, लिम्ब लेंथ डिस्टर्बेंसी है अर्ली चाइल्डहुड से ही, जो उसको काफी सारे डॉक्टर्स ने बताई। इसने जो भी अपने लिए लाइफ में चेंजेस करना चाहता था उसने सारी चीजें की, बट एक जो चीज इसको बड़ी डिस्कम्फर्टेबल रही हमेशा से वो थी हील रेस पहनना या शू के साथ मॉडिफिकेशन पहनना। और आप में से बहुत सारे लोग हमारी लिम्ब लेंथ डिस्टर्बेंसी की वीडियोस देखते हैं, तो मैं आज फिर वही इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि आप लोग ऐसी कोई भी गलती ना करें जो बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारी चीजों की वजह से आप सब परेशान हो सकते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे ज्यादातर जो सवाल अभी तक आए हैं उन सबका आंसर दूं, और ताकि आप इन्फॉर्मेशन की वजह से इधर उधर ना भागें और मेरी तरफ मेरे पास भी ना आए। मैं क्या कर सकता हूँ ये भी बता सकता हूँ, इसका क्या इलाज होगा ये भी बता सकता हूँ। अगर आपके घर परिवार में कोई भी छोटा बच्चा है, आप उसके अगर ABCD मिला के देखें, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, तो आप ये सारी चीजें घर पे ही बैठ के कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने पैसे अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कायरोप्रैक्टर क्या कर सकता है इस चीज में, वो सारी चीजें मैं आपको अब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पहले तो मैंने इसकी मेजरमेंट कर ली है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। आप देखें इसके पांव काफी ज्यादा लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है। ये इसका है उल्टा पांव, ये है इसका सीधा पांव। तो आप ये देखें कि इसको सीधा पांव है वो आगे की तरफ हिट कर रहा है, और ये जो उल्टा पांव है ये अंदर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको सीधा करता हूं तो देखिए डिस्क्रिपेंसी सिर्फ देखने में आधा इंच की तरफ रह जाती है, लेकिन क्योंकि ये हिट करने की वजह से ये सारी मसल्स इसकी टाइट होती चली गई हैं, तो आप देखें कि ये करीब इस वक्त करीब 1.5 से 2 इंच के बीच में आ जाती है। लेकिन जैसे मैं एडी को सीधा कर रहा हूं, देखिए एडी सीधा करते ही आप देखिए बहुत नाक के बराबर डिस्क्रिपेंसी रह जाती है। जब ये बच्चा रहा होगा, छोटा जब चलता रहा होगा, जैसे ही ये लंगड़ा के चलता होगा, अपना उल्टा पांव पहले सीधा पांव नीचे जाता है, फिर उल्टा पांव इसका नीचे आता है, बट क्योंकि उल्टा पांव इतना वजन नहीं ले पाता, इसलिए अब धीरे धीरे एडी अंदर की तरफ मुड़ने लग गई है। तो लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी इतनी थी ये देखिए, लेकिन अगर एडी अंदर की तरफ टिल्ट करने लग गई है तो डिस्क्रिपेंसी बढ़ गई है। तो अगर हम इस चीज को आज नहीं रोकेंगे और एडी अंदर जाती जाएगी, तो इसका डिस्क्रिपेंसी यानी कि छोटी बड़ी चीजें भी उम्र के साथ बढ़ती चली जाएंगी। तो मैंने इसको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 1 इंच से ही बोला है कि 1 इंच से ही स्टार्ट करें। अब आप देखें इसको टेंडो एक्यूलस बोलते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर आने की वजह से इसकी कैल्केनियम बोन, इसके सारी ये जॉइंट्स सारे के सारे टाइट हो गए हैं। इसको प्रोनेशन भी होने लगा है इस पांव में, जो साइड से देखो ये चेंजेस देखें, इस पांव में भी थोड़ी सी हल्की सी है, बट इस पांव में ये ज्यादा है क्लियरली देखें। अब जैसे जैसे मैं एडी ठीक कर रहा हूँ या इसको कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्लोजली आता जा रहा है। ये मेरे पास ये विश्वास से आया था कि मैं इसका एडजस्टमेंट करूंगा और बेटर हो जाएगा। मैंने इसको इसके फादर को सारी चीजें एक्सप्लेन की है कि एडजस्टमेंट से हम आधा इंच तक मसल्स को स्ट्रेच करके खोल सकते हैं, चीजें काफी बेटर होंगी। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैं जादूगर हूं, और ऐसी किसी भी वीडियो पे विश्वास मत कीजिएगा किस तरह से आप लोगों को लोग फूल करते हैं या फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में खोलने वाला हूँ। अभी भी मैंने सारी चीजें बताई हैं, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, मैं जैसे ही एडजस्टमेंट करूंगा आप डिस्क्रिपेंसी में बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस देखेंगे, बट दिस इज ओनली टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं है, ये एवर लास्टिंग नहीं है, इसको हील ब्रेस पहनना पड़ेगा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर रहा है, ये लेफ्ट साइड टिल्ट कर रहा है, राइट साइड पहले हिट करता है, क्योंकि राइट पांव पे वजन डालते ही इसका वेट दूसरी तरफ कॉम्प्रोमाइज करता है। तो मैं इसकी पहले डोर्सल स्पाइन खोलूंगा, और ऐसा स्ट्रक्चर मैं जनरली अभी तो मुझे कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं, बट जिस तरह से हम ये देख रहे हैं यहाँ पे मसल लॉस आ रहा है या बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर हम इसका चेस्ट का एक्सरे कराएंगे तो उसमें भी लंग्स का कहीं ना कहीं कंप्रेशन लेफ्ट साइड में नजर आएगा। इजी इजी वेरी नाइस, थोड़ा बहुत खुला है, सो विच इज वेरी गुड फॉर द फर्स्ट सेशन। साइड टर्न लेंगे मेरी तरफ,
अब देखिए कि 28 साल की उम्र तक इसने अपना अनइवन बैलेंस डाला है। इसका पेल्विस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत कई गुना ज्यादा टाइट होगा। हिप फ्लेक्सर भी टाइट होगा, स्मॉल इस एंगल में चाहिए। राइट, ब्रीथ आउट, बहुत अच्छे से खुला है पेल्विस। मैंने इसका पेल्विस लेवल भी चेक किया था। इसका पेल्विस ये है, इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट। इसका पेल्विस भी अनइवन था, साइडवेज दूसरी तरफ, लैच इजी, फैंटास्टिक नेक, फैंटास्टिक, उल्टा लेटेंगे। अब फिर वही प्रोसीजर करेंगे, पांव से पांव, एड़ी से एड़ी मिलाएंगे और देखते हैं कि इधर वहां से करो, अब मिलाओ, देखो पहले क्या था और अब क्या है, कितना डिफरेंस आ गया है। तो यही डिफरेंस हमें मिलता है। अब आप ये देखिए, सारी जो प्रॉब्लम आ रही है इस एंकल की आ रही है, एंकल ज्यादा अंदर की तरफ टिल्ट कर रहा है, तो हमें इसको डेफिनेटली एक इंसोल भी देना चाहिए जिससे इसका प्रोनेशन ठीक हो। देखें यह है इसका बेटर करेक्टेड वर्जन जहां आपने दूसरी चीजें की है। मैंने इसका फोटो, तो मैं ये चीज दिखाना चाहूंगा और आप भी ध्यान से देखते रहिए और पांव बाहर करो। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो लेफ्ट एडी है वो हिट नहीं कर रही, सारा वजन ये डाल रहा है अपने पंजे पे, एडी पे नहीं, एडी लगाओ। बट एक चीज हमें नजर आ रही है, आप इम्प्रेशन में नीचे जाके देखें, ये इम्प्रेशन इसके हाई आर्च की तरफ है, यानी कि बीच में कोई वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, तो वो भी सारा वेट राइट। अब ये हाई आर्च तेरे वेट बैलेंस इम्बैलेंस किसकी वजह से है या जेनेटिकली है वो हमें नहीं पता। जनरली हाई आर्च जेनेटिकली होते हैं, जेनेटिकली कम डाउट हूँ दोनों कम, तो वीडियो में देखते रहिएगा एंड तक। अब इसमें हमने इसको तीन पिक्चर्स लिए हैं, पहली पिक्चर में ये नॉर्मल खड़ा हुआ है जैसा आप देख सकते हैं, दूसरी पिक्चर में इसने घुटने मोड़े हैं ये देख सकते हैं, तीसरी पिक्चर में इसने उंगलियां ऊपर की हैं ये देख सकते हैं। तो इन तीनों पिक्चरों का मैं सिग्निफिकेंस बाद में बताऊंगा, बट ये बताना चाहूंगा कि नॉर्मल आदमी के एंगल्स इस तरह से होते हैं जिसमें जॉइंट्स एक ही लाइन में होने चाहिए, कोई भी जॉइंट ऊपर नीचे होते ही सारा स्ट्रक्चर बॉडी का खराब हो जाता है जो दिवाकर में हमें दिख रहा है। अब ये इसका राइट है, राइट देखें कि काफ तो न्यूट्रल एंगल में जा रही है लेकिन जो ये मेलोलाई है ऊपर नीचे है, इसका मतलब ये है कि इसमें भी डेविएशन आ रहा है, काफ लिटरली आउटवर्ड जा रही है। और ये लेफ्ट में देखते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेट आता ही नहीं है, ये ज़्यादा इक्वली बैलेंस नज़र आ रही है कंपेयर टू दी राइट साइड, राइट साइड ज़्यादा मोटा नज़र आ रहा है क्योंकि वेट ज़्यादा लेता है कंपेयर टू द लेफ्ट। ये आज की प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट कंडीशन है। और ये देखते हैं कि जब दूसरी फोटो जिसको 45 डिग्री नी बेंड बोलते हैं, उसको डायनेमिक फेस बोलते हैं, डायनेमिक फेस यानी चलने का फेस, उसमें क्या चेंज आता है। मोर और लेस इसके किसी भी फेजेस में चेंज नहीं आता। आप आर्चेस की तरफ देखें तो वेट राइट की तरफ और बढ़ जाता है नीचे, अगर खड़े रहने की पोजीशन से देखें तो वेट इसी पे डाल रहा है चलते समय भी, और जब मैंने उंगलियां ऊपर की तो इसको एक आर्च बना के देने के लिए मैंने सोचा कि कितना देने से क्या कुछ फ़ायदा मिलता है। तो पहले की किसी भी फोटो से अगर इस फोटो में देखें तो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि आज के डेट में इसका आर्च से कोई फ़ायदा नहीं, राइट। तो जब आप इंसोल पहनोगे, मैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका जो एंकल अंदर जा रहा था जब वीडियो को पूरा देखोगे उसको स्टेबलाइज कर सकूं, चीज़ें बहुत स्लोली प्रोग्रेसिवली इंप्रूव होंगी, बट ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी था। और व्यूअर्स ये भी देखते रहें, ये सारी प्रॉब्लम्स बड़ी बहुत मिनिमल चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल में दूसरी चीज़ों में कोई हिंड्रेंस नहीं डालती हैं, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आप जो प्रिकॉशंस हैं, जो ट्रीटमेंट है, वो सारी चीज़ें फॉलोअप करें। ये सारी चीज़ें आप सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसको हील रेज बनवाना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए एक इंच से, ग्रेजुअली फिर हम आगे की तरफ सोचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को हिट बनाएं। थैंक यू।